यूपी पंचायत चुनाव में पहली बार कई बड़े गांव हो जाएंगे आरक्षित। दावेदारों के टूटेंगे सपने। जो ग्राम पंचायत आरक्षण में दूसरे चक्र में जा पहुंची है, उनका आरक्षण क्रम तय आबादी तथा जातिगत आंकड़े से किया जाएगा। अभी पंचायत चुनाव में भाग लेने वालों को ग्राम पंचायत और वार्ड किस श्रेणी में आरक्षित होगा, इसके लिए करीब एक माह तक का इंतजार करना होगा। हापुड़ जनपद की 273 ग्राम पंचायतों के प्रधानों, 3633 ग्राम पंचायत सदस्यों के वार्डों का, 471 क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा 19 जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। जो पंचायत आरक्षण में दूसरे चक्र में आ रही है, वहां पर गांव क्षेत्र तथा जिप वार्ड की आबादी तथा जातिगत आंकड़े और परिवार की संख्या का गुणा भाग लगाया जाएगा, जिसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा। जिसकी लखनऊ में 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी। आरक्षित स्थानों और पदों के आवंटन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति में सदस्य के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा जिला पंचायत राज अधिकारी नामित किए गए हैं। यही टीम आपत्तियों का निस्तारण करके आगामी 13 से 14 मार्च के मध्य आरक्षण की स्थिति का अंतिम प्रकाशन करेगी। शासनादेश के अनुसार 20 फरवरी से 1 मार्च तक आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित वार्ड के आवंटन के प्रस्ताव तैयार होंगे। 2 से 3 मार्च तक जिलाधिकारी आवंटन सूची का प्रकाशन कराएंगे। 4 से 8 मार्च तक आवंटन पर सवाल करने वालों की आपत्तियां भी ली जाएंगी। सभी ब्लॉकों से 9 मार्च तक सारी आपत्तियां जिला पंचायत राज कार्यालय में जमा होंगी। 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण करके 13 से 14 मार्च में आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा तथा 15 मार्च को ब्लॉक से लेकर निदेशालय तक सूची को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यावर अब्बास DPRO हापुड़ कहते हैं कि निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के मुताबिक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आरक्षण प्रक्रिया की जाएगी। तय समय सारणी के अनुसार सभी कार्य संपन्न होंगे।